जैसे डायमंड को घिसे बिना उस पर चमक नहीं आती, वैसे ही रिलेशनशिप होता है कि जब तक हम उसमें अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो रिलेशनशिप में चमक नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, यस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एंकर अमीशा आज आपके सामने टॉक लेकर आई हूँ, हाउ टू मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, अगर हम स्टार्टिंग से ही एक दूसरे से दूर रहते हैं, मतलब अगर हम किसी पार्टीज़ में मिले हैं, पार्टीज़ में मिलने के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, वो किसी शहर हम किसी शहर, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप, अगर आप स्टार्टिंग में तो साथ थे लेकिन उसके बाद आप दूर हो गए, मतलब जैसे आप अपनी स्टडी के लिए बाहर गए, कॉलेज के लिए बाहर गए, या फिर अपनी जॉब से रिलेटेड किसी काम के लिए बाहर रह रहे हो, आपका पार्टनर आर्मी में है, आपका पार्टनर ऑफिसर है, तो उससे रिलेटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी का सॉल्यूशन आज आपको बताने वाली हूँ। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हमारे मन में ये होता है कि हमें भी घूमना है, हमें भी फिरना है, मतलब अगर हम पहले साथ थे और उसके बाद हम दूर हो गए तो हमारा भी मन करता है कि हम कहीं घूमें, हम फिरें, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। लेकिन अगर हमारा पार्टनर हमसे मिलने नहीं आता या हमें टाइम नहीं देता तो हमारे अंदर एक शक पैदा हो जाता है। सबसे पहले उस शक का इलाज, शक का इलाज ये है, अपने पार्टनर पर कम्प्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट करें। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, आपकी तरफ से भी और आपके अपोजिट पार्टनर की तरफ से भी आपका ट्रस्ट बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए। सेकंड चीज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको अपने पार्टनर से टाइम टू टाइम मिलना होगा। मतलब अगर हम पास ही रहते हैं तो हमें वीकली या 15 दिन बाद मिलना चाहिए, अगर हम थोड़े दूर रहते हैं तो हमें हो सके तो महीने में एक बार मिलना चाहिए, अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए क्योंकि हमारा पार्टनर हमसे टाइम एक्सपेक्ट करता है। थर्ड, डोंट बी ओवर पोजेसिव। अपने पार्टनर को लेके कभी भी ओवर पोजेसिव ना हो, क्योंकि अगर हम ओवर पोजेसिव होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें बाहर दिखेगा कि हम अपने पार्टनर को लेके ओवर पोजेसिव हो गए हैं। अपने खोने का डर कि मैं तुम्हें खो दूंगा, या फिर उसको अपने ओवर पोजेसिवनेस ना दिखाए, क्योंकि अगर एक बार बंदे को ये पता चल जाता है कि ये हमारे बिना नहीं रह सकता तो वह ये रिलेशनशिप टूटने के 99% चांसेस हो सकते हैं। सामने वाले बंदे को 100% श्योरिटी हो जाती है कि ये हमारे पास ही आएगा। फोर्थ चीज, अपने पार्टनर को कभी भी फोर्स ना करें। फोर्स मतलब अगर वो किसी काम में बिजी है, बहुत उलझा हुआ है उस काम में, तो उनको फोर्स ना करें कि मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझें। अगर हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो हमारे बीच टकराव होगा, टकराव होगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगा तो ब्रेकअप के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप इन चार बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल सही पटरी पर चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रिलेशनशिप की ये टिप्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और रिलेशनशिप टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।